बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की रेसिपी बहुत ही आसान है। इतनी आसान है कि आपने इससे आसान रेसिपी नहीं देखी होगी। तो आज हम बना रहे हैं पानी में बीफ पानी फ्राई, जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलें इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने लिया है इसके लिए आधा किलो बीफ, जिसमें थोड़ी छोटी हड्डी भी है, और उसके साथ हमने दो प्याज मीडियम साइज़ के, उनको चॉप करके इस तरह से डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन के 4 जवे। लहसुन आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ ही हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल लेनी है, थोड़ी स्पाइसीनेस के लिए। ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। और साथ ही हमने हसबे ज़ायका नमक डाल दिया है, और 300 ml हमने इसमें पानी डाल दिया है। ये बनती वैसे पानी के बिना है, लेकिन हमारे जो बर्तन है उनका पेंदा बारीक होता है, इसलिए पानी हमने डाल दिया है इसमें। और इस तरह की आग के ऊपर आपने इसको पकाना है, ये देखें, बिल्कुल स्लो आंच पे। और ये हमने इस आंच के ऊपर पैन रख, और अब हमने इसका जो लेड है, कवर है, ढकना, उसको एक टॉवल, किचन टॉवल या किसी भी साफ कपड़े के साथ ऐसे कवर करके ऊपर लगा देना है। और इसको हमने स्लो आंच के ऊपर तकरीबन 120 मिनट तक पकाना है। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये पानी जो है सारा स्टीम नहीं बनेगा, कवर कर दिया है, ये अंदर ही रहेगा। ये देखें 120 मिनट हो चुके हैं, 2 घंटे, और ये पानी भी थोड़ा थोड़ा बच गया है, और जो प्याज थे और लहसुन था वो बिल्कुल मिक्स हो गया, और ज़बरदस्ती ग्रेवी बन गई है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, 1 से 2 चुटकी, और इसके साथ ही हमने शाह ज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा या ब्लैक ज़ीरा भी कहा जाता है, वो डालना है 1/2 टीस्पून के करीब। इसको हम पाउडर की शक्ल में भी डाल सकते हैं, और इस तरह से क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हमने रेड चिली, सुरख मिर्च कुटी हुई डालनी है, हसबे ज़ायका आप डाल लें, जितनी आप स्पाइसीनेस पसंद करें वो डाल सकते हैं। हमने 1/2 टीस्पून डाली है, और इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके थोड़ी देर और पकाना। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये बीफ जो है हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, गोश्त जो है वो बिल्कुल नरम हो गया है। ये देखें, थोड़ा सा दबा, गर्म है इस वक्त, और दबाने से ये बिल्कुल टूट रही है, नरम नरम बोटियाँ, बहुत ही लाजवाब टेस्ट। इसको फिर से हम कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि जो हमारी फ्लेवर है मसालों के वो निकल आएँ। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी रंगत, और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसका पानी आपने सारा ड्राई नहीं करना, इस तरह से हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है। और ये देखें जी, बहुत ही लाजवाब। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें, और अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।